हमारे पास जो हमारे मोखरन है ये आप देख सकते हैं, ये इस कुछ इस टाइप से होते हैं। इनके अंदर जो है आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रही होगी। ये देखिए गाइस, ये पट्टी आप देख रहे हैं, यही है। ये हॉर्न चलता है तो इसके साथ ये लाइट भी जलती है, और ये हमारे जो है इसके साथ जो जूते है ये हमें इसके साथ मिले, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ ये है। मेटल बॉडी के अंदर है पूरी, आप देख सकते हैं गाइस। और ये इसकी कुछ वायरिंग है, इसके बारे में आपको वीडियो में बताएंगे। तो गाइस आप जो ये वाला नट देख रहे हैं, इसमें हम इसको ऐसे फिट कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये ऐसे लग जाएगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से, और ये थोड़ा यहाँ पर सेफ भी रहेगा, जिससे कि इसे आप इसको यहाँ पर इजीली फिट कर सकते हैं। फाइनली गाइस हमने इनकी जो इनके लिए हमें एक एक्स्ट्रा पत्ती लगानी पड़ी, क्योंकि ये हमारा नट है गाइस, ये हमारे हॉर्न के अंदर इसमें फिट नहीं बैठ रहा था। गाइस आप देख सकते हैं जो ये हमारे हॉर्न के साथ जो हमें पत्ती मिली है, इसका होल जो है थोड़ा बारीक है और वो जो है इससे थोड़ा ओवर साइज में है गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने दोनों साइड से, आप उधर भी देख रहे होंगे उस साइड, हमने पत्ती को फिट कर दिया है गाइस। तो गाइस चलिए हम आपको इनके ऊपर जो है अपने हॉर्न फिक्स कर देते हैं। ऐसे हम यहाँ पर इसको ऐसे फिट कर देंगे, इसमें इसके लिए हमें एक नट की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ टाइप से हमारा हॉर्न दिखेगा लगेगा गाइस। तो आप परफेक्टली देख सकते हैं, हमने इसके एक नट बोल्ट की मदद से जो है हमने इसको फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी शानदार लग रहा है हमारी बाइक के हिसाब से। तो चलिए गाइस अब दूसरी साइड का भी हम इसको लगा लेते हैं, फिर इनके आपको जो है कनेक्शन करके दिखाएं। गाइस फाइनली हमने इनको कर दिया है फिट, अब हम इनकी जो है कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं गाइस। अगर कनेक्शन की बात करें तो गाइस जो इसका ये आप हाई वाला वो देख रहे हैं, इसके साथ हमको जो है इसको हमने इधर फिट कर दिया, और जो लो वाला है वो उधर लग रहा है, आप उधर देख रहे हैं, इसमें वो हम दोनों साइड से फिट कर दिया है। अब हमारी रिले में हमको जो है आप देख सकते हैं थ्री वायर्स बने हैं, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक रेड। जो रेड वाली है हमारी वो बेसिकली जो हमारी जो बाइक का जो किल स्विच होता है उसके साथ जाएगी वो, तो उसको हम अब, और ये अब ब्लू कलर की देख रहे हैं, और एक ये ब्लैक, ये ब्लैक जो है इसको हम यहीं पर अपनी बैटरी के साथ इसको अटैच कर देते हैं, जो निगेटिव वाला पॉइंट है उसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। और जो हमारी ब्लू कलर की वायर है इसको जो आप देखते हैं, जो हमारी बाइक की जो नॉर्मल हॉर्न आता है उसके में जो आप दो वायर देख रहे हैं, इनमें से ये वाली निगेटिव है और ये जो हमारी ब्लैक वाली है ये आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है। तो हमें इस ब्लू कलर के तार को जो है इस पॉजिटिव वाली वायर में इसको जोड़ देना है, और जो हमारी ये रेड कलर की आप देख रहे हैं जिसके अंदर आप देख रहे हैं फ्यूज बॉक्स भी लगा हुआ है। तो गाइस ये फ्यूज बॉक्स इसलिए होता है, अगर आप कभी भी आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्यूज गाइस ये डिस हो जाएगा। तो चलिए गाइस अब हम इसको आपको कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इनको कि ये साउंड कैसा देता है। फाइनली हमने इसके कनेक्शन को कर दिया है कम्प्लीटली। तो गाइस ये जो हमारी आपको हमने बताई थी ब्लैक वाली वायर, ये हमने इसके निगेटिव में इसको कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारी ये रेड वाली है जिसके अंदर फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है इसको हमने यहाँ से ले जाकर, ये देखिए गाइस हमने जो अपना जो ये जो हमारा ऑन ऑफ का स्विच है किल स्विच, इसके साथ हमने जो है इसको इंजन स्विच के साथ इसको हमने रेड वाली का वायर के साथ इसको अटैच कर दिया है यहाँ से कपलर से। और जो हमारी गाइस ये ब्लू कलर की हमने आपको बताई थी, ये हमारी जो बाइक का जो सिंपल हॉर्न कंपनी से आता है उसके साथ इसकी जो पॉजिटिव वाली पॉइंट है उसके साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए गाइस इनका आपको एक बार साउंड चेक करा देते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना लाउड साउंड है इनका,
तो चलिए गाइस एक बार इनको आपको नाइट वाला शॉट भी दिखा देते हैं।